रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र करो, मैं भी ठीक हूँ। मैं तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो भी औलाद अल्लाह ताला उनको नेक नूरिंदा अता फरमाए। जिनके वालदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जिनके वालदैन फात पा गए अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को मुस्तकबिल में कामयाबियाँ अता फरमाए, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। इसी ने एक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, साथ में जो घंटी का बटन दबा के तो आप पे भी क्लिक करना ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीवर, आज मेरा इरादा कि मैं पंजाबी में थोड़ी वीडियो बनाऊँ, थोड़ी फनी वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को मज़ा आ जाए। और मैं आज आप लोगों के साथ बचपन की जो आप बातें वो शेयर करूँगी। गल कुछ इस तरह है, पहले तो मैं तुम दसनी है कि जो मेरा ना मंजिला बेटा है ना, वो मेरे साथ बहुत मजाक करता है और कहता है कि माँ छड़ दे वीडियो बनानी, तेन कोई नहीं व्यू भी आते तो छड़ दे हूँ वीडियो बनानी तो बस कर दे। ते मैं कहनी कि नहीं बेटा, मैं नहीं छड़नी वीडियो बनानी, तो मैं बना ही रहना, जिन्ना चर मैं कामयाब बना तो मैं नहीं छड़ना। क्यों? मैं अजकल जनरेशन की नहीं कि मैं पुरानी हैगी हाँ, तो मैं जो पुराने लोग ने वो छेती हार नहीं सी मानते होंगे, तो ताे वर्गे जो बच्चे हार मान लेंगे। तो उन्हें मेरा मैं कहता कि साढ़े पिंड 6-7 जोड़े मुंडे उन्होंने चैनल बनाया सी, तो थक हार के उन्हों का चैनल नहीं चलिया, तो थक हार के बह गए हैं, तो तू ही माँ छड़ दे। तो मैं उन्होंने कहनी कि तू मैंने इस तरह मजाक करना जिमें मैं तेरी सहेली होंगी, तो अगों फिर वो भी मजाक के लग जाता है कि हाँ मावं सहेलियां ही होंगे ने माँ, तेन नहीं मजाक करने से किनू करने। तो व्यूअर मेरी तुम्हें अगर रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पूरा वेख्या करो, तो मैं अपने बच्चे कामयाब हो के वहाँ मैं हार मनना नहीं सीखी। अल्लाह ताला ने मैंने इन्ना क सबर दिता है, तो ना मेरे माँ प्यो ने मैंने हार मनना सिखाई है, तो मैं पूरी अपनी कोशिश मैं जारी रखनी है। तो बचपन के सानू मैं दस रही कि सानू एक ना पंजू मिलता हों, शायद तुहानू पता हो पंजू तो वड्डा ना मिलता हों, असि वो बड़ा खुश हो जाने होंगे स। तो जिन्हों ढाई आने मिलते होंगे सी, तो वो तो ईद हो जाती सी कि ढाई आने बड़ी चीज़ होंगी सी। तो सिरां दे उत्ते असी मिट्टी सुट के बाहरों पैलियां दे विचों सिरां दे उत्ते मिट्टी लैके आने सांबियां दे विच, ते फिर सुटने सा सुबह लाने सा 2 घंटे 2 घंटे शाम नूं लाने सा, ते फिर असी जिहड़ी छत्तां ने उहनां दी जिहड़ी लंबाई करनी हुंदी सी सिरां ते मिट्टी लैके आने सा, नलके गेड़ गेड़ के कहानियां दे विच पानी पाउने सा, कहानियां बनाने से। फिर जिहड़ियां अगर किसी ने मकान वगैरह छत्तरे हुंदे सी ते किसी गली दे विच जां चौक दे विच जिहड़ियां इट्टां हुंदियां सी ओह लवाइया जा फिर हाथों के तांबियां पा पा के घर सुटिया जा। हूँ तो तरक्की बड़ी हो गई है, हूँ रेहड़ियां हाथों वाली तो उन्होंने इटा सुटिया जा, ट्रैलियां तो मिट्टी और लोग मंगाते हैं, अब तो छत्त कच्चिया है ही नहीं, ट्रैलियां तो मिट्टिया मंगाते हैं, तो मोटर लगियां तो मोटर चला के कहानियों से पानी पाते हैं, ट्रैलियां तो मिट्टी आँदी तो छत्त निंबद ने। तो मेरा एक भरा जरा सब तो व्डा मेरा भरा वो कि लाहौर तो बहर नौकरी करता हों, तो फिर आंता हों 8 दिन बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद। तो साढ़े पिंड के लागे एक गाँव है सन, तो उन्होंने उत्थे मेले वगैरह होंगे सन, तो मेले के उत्ते असं बड़े शौक में जाने सर, सू तरीखा सारिया याद होंगे कि फलानी तरीक न फलाना मेला, तो फिर असं जो नवे सूट सिलाई करके तो रखने हैं, तो फिर असी बड़े शौक के नाल मेलियां तो जाने, तो समाजी घंगूड़े होंगे से उन्होंने असी हूटे लेने होंगे सर, तो कुछ मेरिया जो दोस्त होंदिया से उन्होंने बड़ा डर लगता से, उन्होंने बदों बदी घंगूड़े के उन्होंने बिठा लेना, तो फिर उन्होंने मारनिया चीकों, तो मैनू बड़ा मज़ा आना। तो मेरा भरा जरा वो काफ़ी दिनों बाद आया छुट्टी से, तो उन्हें मैंने 1 रुपया दिता, 1 रुपया उन्हें मैंने दिता, तो मैं 1 रुपया लैके तो छाल मार दी मेले तो चल गई, कल्ली मैं चल गई, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के जाना हों, तो मैं कल्ली मेले तो चल गई। तो पता है कि पहले जे होंगे पहले जमाने